अभी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला के मुरहिट गांव में, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर काफ़ी दुखद घटना देखने और सुनने को सामने आ रही है। काफ़ी दर्दनाक घटना हुई है जिसमें एक 8 साल की मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। यहां पर चाहे मधुबनी थाना हो, चाहे कलवाही थाना हो, चाहे अड़ेर थाना हो, सारे थाना यहाँ पर आ चुके हैं, आए हुए थे, लेकिन जिस तरीका से घटना हुई है काफ़ी रूह को हिला देने वाली घटना है। चलिए यहाँ पर जिस बच्चे की मौत हुई है उनके पिताजी हैं, इनसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। बात करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीका से हादसा हुई है, अब आइंदा जिस तरीका से ब्रेकर यहाँ पर दे दिया जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में कम से कम बचाव हो। बच्चा जो है मदरसा से निकल के उस साइड रोड गया, दुकान पे गया, दुकान पे से आ रहा था, उधर से कुछ 4 चक्का था, अज्ञात गाड़ी था, हम लोग देख नहीं पाए हैं, वही मार के भागा है। जानकारी मिली है कि ट्रक था, अब ये नहीं देखे हम लोग, लेकिन ट्रक था जो भी था, लेकिन 407 बता रहे लोग। 407 जी, क्या स्पीड गाड़ी की ज़्यादा थी? हाँ, स्पीड तो कुछ ज़्यादा ही थी, कि इस बीच में ब्रेकर नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे करीब 5-6 घटना हो चुकी है अब तक में। यहाँ पे हम लोग ब्रेकर के लिए कितने बार थाना में अप्लीकेशन भी दिए, लेकिन थानेदार कुछ नहीं किया अब तक। अच्छा, इससे पहले कितनी बार घटना हुई है यहाँ पे? इससे पहले मोटा मोटी 6 घटना हो चुकी है। 6-7? हाँ। कितनी मौत हो चुकी है उनमें? 6 का 6 मौत हुआ है। 6 मौत हुई? हाँ। 6 अब तक ब्रेकर नहीं दिया? नहीं दिया है, कोई प्रशासन से कोई ये नहीं मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग यही मांग कर रहे हैं सरकार प्रशासन से कि यहाँ पे ब्रेकर होना चाहिए। जी, जरूरी है ब्रेकर, कि हमेशा कुछ ना कुछ घटना होती रहता है। आज SP साहब आए हुए थे, क्या SP साहब आए थे तो बोले हैं ठीक है, ये 2 से 3 दिन में हो जाएंगे, अब देखिए क्या होता है। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो हम लोग को नहीं है, इसलिए कि ऐसा कितने मरतबे हो चुका है कि हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं कि लगभग जो है 6 घटना हो चुकी है जिसमें 6 बच्चे की मौत हो चुकी है। इस तरीका से लगातार जो है घटनाएं हो रही है, मौतें हो रही है। आप सोच सकते हैं लोग अपने बच्चों को मदरसा या स्कूल जाना छोड़वा दें। जिस तरीका से बताया है ग्रामीण के लोगों ने कि बच्चा जो है मदरसा जा रहे थे और उसी क्रम में जो है ये घटना हुई है, दर्दनाक घटना। एक मासूम सा बच्चा, 8 साल का बच्चा, और देख सकते हैं आपकी एक भी यहाँ पर ब्रेकर नहीं है, और लगातार गाड़ी जो है आवागमन हो रही है, जो मधुबनी से जो है आप सीधे आप जयनगर की ओर जाती है। चलिए यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीका से घटना हुई है और जिस तरीका से कहा जा सकता है मधुबनी थाना हो, कलवाही थाना हो, अड़ेर थाना हो, सारे थाना आए हुए थे, लेकिन जिस तरीका से एप्लीकेशन भी दिया गया था कुछ दिन पहले और आश्वासन भी मिला था, तो जिस तरीका से जिसकी मौत होती है, जिस बच्चे की मौत होती है, उनके पिताजी पर क्या बीतता होगा वही जानते होंगे। अभी फिलहाल में पोस्टमार्टम के लिए जो है सदर अस्पताल ले जाया गया है बॉडी को। चलिए, इनके पिताजी हैं जो बच्चे की मौत हुई है। 2 बजे घटना हुई है यहाँ पे, और हमारा घर तो दूर पड़ता है, मालूम हुआ इस तरह की बात है। जो लोग गाड़ी को गया था घेरने के लिए, फ़ोन किया कि आपका लड़का का ऐसे एक्सीडेंट हुआ, आए तो देखे लड़का को यहाँ पे। हम उसके बाद हम तो इधर प्रक्रिया समय लगे हुए हैं, अभी क्या कहें क्या करें आप। अच्छा, बच्चे की उम्र? बच्चे की उम्र 8 साल से कुछ एवब है। अच्छा, इससे पहले भी इस तरीके का घटना हुई है? इससे पहले बहुत सारा हुई है। सामने मकान है, इस मकान के पीछे है, रज़ी अहमद मिलेटी साहब की माँ है, उसका इंतकाल हो गया है, वो एक्सीडेंट में यहाँ मर गई है। यहाँ मुनाजिर है, वो एक्सीडेंट में इसी जगह मर गया है। यहाँ हमारे गफार भाई की बहन थी, उसको एक्सीडेंट करके यही मर गया है। उससे पहले हमारे तमन्ना भाई का लड़का थे, वो एक्सीडेंट करके यही मर गया। इतना एक्सीडेंट हो जाने के बाद एक भी ब्रेकर नहीं दिया? एक भी ब्रेकर नहीं देता। और हम लोग 4 दिन पहले घुमोर वाला की हुआ, उसमें ब्रेकर हुआ, उसमें मर गया है। यहाँ ब्रेकर के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुरेट पंचायत के ही लोग पूरे परेशान हैं कि किसी तरह ब्रेकर पड़े, लेकिन कहीं नहीं है मुरेट पंचायत। इस तरीके से आज आप लोग रोड जाम किए हुए थे और कहीं ना कहीं बहुत सारे थाना यहाँ पहुँचे हुए। सारे लोगों की मांग ये है, आज मेरा बच्चा मर गया, उसकी मौत यहीं तक लिखी हुई थी, अल्लाह की मर्जी अपना मर गए। लेकिन सुन लीजिए, उधर का भी बच्चा है वो नहीं मरे, मेरे समाज का बच्चा नहीं मरे, मेरे समाज में अमन शांति रहे, इसके वजह से यहाँ ब्रेकर होना ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग फिर से ही जाम करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर से जाम करेंगे? एकदम जाम कर देंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। फिर से जाम होगी, कल होगा तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर प्रशासन नहीं सुना, SP साहब आए हुए थे, 2 से 3 रोज का आश्वासन दिए हैं, हम उन लोगों को 3-4 रोज का डेट देते हैं, 3-4 रोज में कर दिए तो ठीक है, नहीं किए तो फिर से जाम कर देंगे। तो देख सकते हैं कि पीछे मदरसा भी है और बगल में मस्जिद भी है, लोग अपने बच्चों को खास करके जो है मदरसा भेजते हैं पढ़ाई के लिए, और मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अगर वो आएंगे बगल से तो आप देख सकते हैं रोड क्रॉस करके ही उनको आना पड़ेगा, चाहे वो मदरसा हो चाहे वो मस्जिद हो। आप देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंट है और लगातार गाड़ी जो है आवागमन होती रहती है। आप कोई भी आदमी आएंगे, अपने बच्चे उनके आएंगे मदरसा, तो देख सकते हैं ये रोड क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन रोड क्रॉस करने में आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ी चलती है, जैसे कि बस हो गया, ट्रक हो गया, जैसे टेम्पो हो गया, और लगातार जो है इस तरीका का घटना, लगभग 6 घटना हो चुकी है, 6 मौतें हो चुकी है, लेकिन यहाँ मुरहेट के लोग बार बार जो है आश्वासन प्रशासन दे रही है। जिस तरीका की घटना हुई है काफ़ी दुखद घटना है मुरहेट गाँव के लिए। यहाँ लोग, समाज के लोग जो है यहाँ पर जाम किए हुए थे और उनकी लगातार जो है मांगे हो रही थी कि यहाँ पर ब्रेकर दिया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहिए VOS 24 न्यूज़। मैं अब्दुल समद, बहुत बहुत धन्यवाद।